गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं डॉक्टर जमाल अख्तर आपसे रूबरू हूँ, मनोविज्ञान की विद्यार्थी हूँ। मैं आपसे कोविड-19 या कोरोना महामारी के बारे में बात करना चाहती हूँ। हम सब जानते हैं कि आजकल हम एक महामारी से, विश्वव्यापी महामारी से जूझ रहे हैं। हमारे लिए बहुत कठिन समय है, लेकिन इस कठिन समय में हमें अपने आप को किस प्रकार से, अपना मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखना है, कैसे हमें इस समय का उपयोग बल्कि सदुपयोग करना है, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। WHO ने भी माना है कि इस महामारी का, इस बीमारी का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। हम एंजाइटी के, डिप्रेशन के और स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं। इस समय मैं चाहती हूँ कि हम इस बात पर चर्चा करें कि हम शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी कैसे अच्छा रखें, कैसे दुरुस्त रखें। क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य हमारा अगर अच्छा रहेगा तो उससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी बेहतर रहेगा। हम सबसे पहले उसके लिए जरूरी है कि हम अपना एक शेड्यूल बनाए रखें। हमें स्कूल नहीं जाना है, कॉलेज नहीं जाना है, ऑफिस नहीं जाना है। इसका ये मतलब नहीं है कि अब हम कभी भी सो जाएं और कभी भी उठ जाएं। हमको समय से उठना है, समय से सोना है, समय से खाना खाना है, अपनी चीजों को व्यवस्थित रखना है, अपने सराउंडिंग्स को क्लटर्ड नहीं रखना है। क्योंकि ये साइंटिफिक रिसर्च है कि अगर हमारी सराउंडिंग्स जो होती है वो व्यवस्थित नहीं होती तो इससे नेगेटिव एनर्जी जनरेट होती है। हमको इस नेगेटिव एनर्जी से बचना है। हमें सोशल डिस्टेंसिंग तो करना है, लेकिन हमें और लोगों के साथ टेक्नोलॉजी के थ्रू हमें अपने परिवार से, अपने दोस्तों से कनेक्टेड रहना है। अपने आप को लोनली नहीं फील करना है। अब पूरा विश्व जो है वो एक परिवार के जैसा है। हम यहाँ पर भी बैठे अपने किसी भी रिश्तेदार, किसी भी फैमिली मेंबर, किसी भी दोस्त के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। हमें ज्यादा ध्यान रखना है कि हम किस प्रकार से इस समय का उपयोग करें, बल्कि सदुपयोग करें, जबकि हम अपने अपने घरों में क्वारंटाइन है या लॉकडाउन है। हम अपनी हॉबीज की तरफ ध्यान दे सकते हैं, जो हम पहले चाहते थे करना। ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हैं। हम अगर कोशिश करें तो हम इस समय बहुत अच्छे से कोई म्यूजिक क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं, कोई डांस वगैरह कर सकते हैं, जो लोग डांस में इंटरेस्टेड हैं। उसके साथ साथ अगर हमारे पास बाग है तो हम बागवानी कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं। और हम अगर बाग नहीं है, जैसे मेरे पास नहीं है, तो थोड़ा गमलों में ही जो है वो समय व्यतीत करके अच्छा लगता है। हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए इस समय में, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज करनी चाहिए। किस प्रकार से, क्योंकि एक्सरसाइज करने से भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। हमें हर समय कोरोना से रिलेटेड न्यूज नहीं देखनी है। WHO ने भी कहा है कि आप सिर्फ दिन में 2 या 3 बार कोरोना से रिलेटेड न्यूज देखिए, और वो भी ऑथेंटिक चैनल्स पर, सेंसेशनल चैनल्स पर नहीं। अपने आप को ये याद दिलाना है कि हम इंडियंस का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम कामयाब होंगे इस महामारी से, हम आगे जूझ के हम जीत जाएंगे। ये अच्छे अच्छे कोटेशंस याद रखते रहिए, हम होंगे कामयाब एक दिन। टफ टाइम्स नेवर लास्ट बट टफ टाइम पीपल डू, यानी हम टफ लोग हैं, हम इंडियंस हैं, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, हम इस कोरोना से विजय प्राप्त कर लेंगे। हमें इसके बारे में चिंताग्रस्त नहीं होना है, हमें अपने स्ट्रेस नहीं बढ़ाना है। और अगर हम ये सोचेंगे कि हम ये कर सकते हैं तो जरूर होगा, क्योंकि मैंने आपको शुरू में भी बताया है कि अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम भी अच्छा होगा, और हम इस समय से आगे बढ़ जाएंगे। फिर मैं आपसे कहूंगी कि इस बात का ध्यान रखिए कि अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और यकीन रखिए कि हम इस कोरोना महामारी से जीत जाएंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। जय हिंद, जय भारत।